कपड़े पहन के, तो तुम्हें सुकून आ जाए, तुम्हें पढ़ाई में दिल लग जाए। अरे जैसा कि दिल्ली में ठंड शुरू हो चुकी है, तो आज हमने डिसाइड किया कि हम विंटर्स की शॉपिंग करेंगे। तो मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने और अलीज़ा ने, हम तीनों ने मिलकर सरोजिनी नगर जाने का डिसाइड किया। और गाइस, ये सफ़र मेमोरेबल हो गया बिकॉज़ अलीज़ा का ये फर्स्ट मेट्रो जर्नी थी, तो उसने बहुत इंजॉय किया। तो इसीलिए ख़ासकर हमने डिसाइड किया था कि हम मेट्रो से ही चलेंगे। तो फाइनली हमें तकरीबन 45 मिनट्स लगे पहुंचने में। फाइनली हम सरोजिनी नगर पहुँच गए, सरोजिनी नगर मार्केट। लेकिन गाइस बहुत भीड़ थी, तकरीबन हमें 3 बज गए थे पहुँचते पहुँचते, और बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश था। तो हमने डिसाइड किया कि हम आज सिर्फ जो है वो क्लोथिंग, विंटर क्लोथिंग्स को हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और वैसे तो यहाँ पर होम फर्निशिंग का भी बहुत अमेजिंग आइटम्स मिलते हैं बहुत रीज़नेबल रेट के, बट आज हमारा जो स्पेशल फोकस रहेगा वो था क्लोथिंग पर एंड जो हमारी पर्सनल एक्सेसरीज पर। फाइनली गाइस, वी आर एट सरोजिनी नगर मार्केट। आज हम सरोजिनी नगर मार्केट का रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या बेस्ट डील्स आज हम आपके लिए उसको हम रिव्यू कर पाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और एंट्री लेते हैं मार्केट। गाइस, ये हम मेट्रो स्टेशन की साइड से गए थे, तो जैसे ही हमने मार्केट में एंटर किया, हमें बहुत ही अमेजिंग एक स्टॉल दिखा जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की ज्वेलरी जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेंज में मिल रही थी, और बहुत ह्यूज वैरायटी थी इनके पास। यहाँ पर गाइस सिर्फ 50 रुपीज़ में आप कोई भी पेयर ऑफ ज्वेलरी, ये पेयर ऑफ इयररिंग्स ले सकते थे, और साथ में गाइस 30 रुपीज़ में, अगर वैसे तो 50 रुपीज़ बोलते हैं लेकिन 30 रुपीज़ में आपको जो मास्क चेन भी यहाँ पर आराम से मिल जाती है। तो मैंने यहाँ से लिए अपने लिए एक पेयर इयररिंग्स के। ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 2-3 तरह की उनको रिव्यू किया, बट फाइनली मैंने एक अपने लिए परचेज़ भी किया। फिर हम आगे बढ़ गए, अच्छे हमें रीज़नेबल रेट्स में जो है तरीके से बाहर सेल लगी थी 200 रुपीज़ में ट्राउज़र्स की। देख लो सही से, हट जाओ, बना लेते वीडियो भैया इनकी। ये सेल में आपके जी 200 रुपीज़ का जी। गाइस ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ये डेनिम के स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स में आपको लोअर्स मिल जाएंगे जस्ट इन 200 रुपीज़। तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। शॉप नंबर क्या है भैया? शॉप नंबर 61। ये आपको मिल जाएगा शॉप नंबर 61 पे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अलीज़ा ने अपने लिए यहाँ से परचेज़ कर लिया है। इसका रिव्यू मैं आपको अच्छे से घर पे पहुँच के करूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छी रेंज मुझे लग रही है, एंड क्वालिटी वाइज भी फैब्रिक वगैरह भी अगर आप देखें इसका तो अच्छा है। इसी स्टॉल पे गाइस 150 रुपीज़ की सेल लगी थी, साथ में वेलवेट के लोअर्स की भी, तो उनकी भी रेंज बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर हम आगे हम गए, फिर वहाँ पर हम काफ़ी शॉप्स हमने देखी जहाँ पर गाइस 250 की रेंज में, 200 की रेंज में आपको वेस्टर्न टॉप्स वगैरह आराम से सेल होते हुए दिख जाएंगे। एंड फिर एक स्टॉल मुझे बहुत पसंद आया जहाँ पर गाइस यहाँ पर बाहर जो है बहुत अच्छी हुडीज, ओवरसाइज हुडीज का जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड है, तो इसी शॉप के अंदर जब मैंने मेरी नज़र गई इस शॉप के अंदर, तो गाइस बहुत ही अमेजिंग इनके पास रेंज थी सभी ब्रांड्स के। यहाँ पर फर्स्ट कॉपीज़, मतलब एक तरीके से कॉपीज़ यहाँ पर इन्होंने तैयार करा रखी थी सभी बड़े ब्रांड्स की, और बहुत ही रीज़नेबल रेंज में। आप गारंटीड चीज़ है, मेरे पास एक्सपोर्ट भी है, हमारे पास सेल वाली आइटम नहीं, फ्रेश की आइटम है। देखिए यहाँ पर आपको ये सारी सेम रेंज है, ये चीजें दिखाइए।
जो अच्छे ब्रांड होते हैं वो है मेरे पास। ये जो आप साउथ एक सीपी में देखते हैं 3-3 हज़ार की रेंज, वो मेरे पास है 1000-1200 की रेंज। ये आपके कितने की पड़ेगी? 1250। ये सर आपको देंगे 1250 रुपीस में। बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन वगैरह है एंड इसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे यहाँ पर। ये सारे कलर्स अवेलेबल हैं और सारे आपको यहाँ पर पेस्टल शेड्स मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मुझे भी ये लगा है। ये शॉप गाइस आपको मेट्रो स्टेशन की साइड वाली लेन में ही मिल जाएगी। और कुछ शॉप का नंबर था शायद 6 नंबर शायद इस शॉप का था। आगे जाके हमें गाइस बहुत ही अमेजिंग स्टॉल्स मिले, जहां पर हमें बहुत ही अच्छी रेंज ऑफ फ्लोवर्स मिले। जहां हमने वहीं से 2-3 स्टॉल्स थे जहां पर से मैंने जितनी भी अपनी सारी परचेजिंग की लोवर्स की वहीं से की। ये देखिए गाइज़ यहाँ पर आपको 150 की रेंज में बहुत ही अच्छी वैरायटी ऑफ ट्राउज़र्स मिल जाएंगे। आपको फॉर्मल ट्राउज़र्स भी मिल जाएंगे और जीन्स भी मिल जाएगी एंड जेगिंग्स भी। बहुत अच्छी रेंज मुझे यहाँ पर लगी। फिर गाइज़ आगे जाके आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ी दूरी पर बहुत जंक ज्वेलरीज के आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे। एंड गाइज़ बहुत ही रिजनेबल रेंज पर ये यहाँ पर आपको ये सब मिल जाएंगे। ये पूरे जो सेट्स थे वो सिर्फ 100-200 की रेंज में थे। मैं शॉपिंग करते करते हमें शाम हो गई, अराउंड हमें 6:30-7 बज गए थे। फिर हमने जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग को थोड़ा फास्ट हमने कर दिया और जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी हमने वो सारी चीज़ें ले ली। और साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ये ग्लिम्स आपके लिए रिकॉर्ड करती चली गई। ये सारी चीज़ें गाइस आपको अंडर 400 में आपको मिल जाती हैं वहाँ पर। हमें वहीं पर 7:30 बज गए थे और बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर हमने जल्दी से जाके थोड़ा सा हमने खाने के कुछ चीज़ें ली और फिर हम जल्दी से मेट्रो स्टेशन की तरफ चले गए। फिर सामान रख के वहाँ धोके बैठ जाओगी बड़ी अच्छी हो तुम्हें, ट्राई नहीं करोगे अपना? अरे कल एग्ज़ाम है, तुम कपड़े पहन के तो तुम्हें सुकून आ जाएगा, पढ़ाई में दिल लग जाएगा। अरे गाइस अगर आप ओखला से मेट्रो के थ्रू सरोजिनी नगर मार्केट जाना चाहते हैं तो आपको 3 बार मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। आपको ओखला से सबसे पहले कालकाजी मंदिर जाना पड़ेगा, कालकाजी से आपको लाजपत नगर एंड लाजपत नगर से आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी सरोजिनी नगर के लिए। बाद में इतना थक गई थी एक्चुअली, हमें वहाँ से आते आते इतना लेट हो गया, लेकिन गाइस सीरियसली हमने बड़ा इन्जॉय किया और बहुत अच्छी सेलेक्टेड चीज़ें हमने करी। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे प्राइस रेंज में हमें चीज़ें मिल गई फॉर्चुनेटली। तो मतलब एक अच्छे दिन गया एक बहुत अच्छी शॉपिंग के साथ। तो गाइस और मैं आके इतना थक गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आपसे ये जो भी चीज़ें हम लेके आए उसका रिव्यू करूँ, उसको अच्छे से दिखाऊँ। फिर बस अब थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, अब मैं एटलीस्ट व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ एंड आपको बता भी देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लेके आए। तो गाइस ओवरऑल चांदनी सरोजिनी नगर से शॉपिंग करना मुनाफे का सौदा है। आप किसी भी दिन जाएंगे तो नॉर्मली आपको अगर आप कंपैरिजन करें लाजपत नगर से तो आपको सरोजिनी नगर में बहुत अच्छी डील्स मिल सकती हैं, बेस्ट प्राइस पर आपको चीज़ें मिल सकती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट गारमेंट्स क्लोथिंग्स, क्योंकि आज जो हमने शॉपिंग के लिए वो मोस्टली क्लोथिंग्स की ही की है, तो क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं तो मुझे था कि कुछ ट्राउज़र्स फॉर्मल पैंट्स एंड डेनिम ये सब मुझे लाना था, तो हमने उसी की आज शॉपिंग की है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिए गाइस, ये मैंने डिफरेंट रेंज देखिए इस तरीके से। आप यहाँ से सरोजिनी नगर से बहुत ही अच्छी स्टफ़ है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट विद 2 पॉकेट्स एंड बैक पॉकेट्स, बहुत अच्छी फॉर्मल और स्टाइलिश पैंट्स ये हमें मिल गई। और एंड यू वॉन्ट बिलीव दिस गाइस, जस्ट 150 में पैंट्स लेके आए हैं सरोजिनी नगर से जी, और क्वाइट एक्सपेंसिव ही बैठता है स्टिच कराना।
बट ये जस्ट 150। ये स्पेशली मैंने मेरा सरोजिनी नगर जाने का था कि मैं आप लोगों के सामने सरोजिनी नगर को रिव्यू करूँ एंड उसके जो बेस्ट सरोजिनी नगर से क्या चीज़ हम बेस्ट परचेज़ कर सकते हैं, तो वही आज हमारा था कि मैंने सोचा क्यों ना मैं पर्सनल शॉपिंग करके उस चीज़ों को एनालाइज़ कर सकूँ कि कैसा है सरोजिनी नगर फॉर वुमेन्स क्लोदिंग एंड ऑल। तो गाइस ये देखिए, आप जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये सेम डेनिम में ब्राउन कलर की पैंट्स हम लेके आए। एक हमने ये डेनिम की ये हम सिगरेट पैंट्स, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक की ये पैंट्स, ये सब पैंट्स देखिए, ये फॉर्मल ब्लैक पैंट और ये भी फॉर्मल ब्लू कलर की ये पैंट्स है। एंड गाइस ये सब हम पैंट्स लेके आए हैं 150 की रेंज में। एंड लुक एट दिस अमेजिंग अमेजिंग स्टफ एंड बहुत ही सॉफ्ट अच्छा फैब्रिक है, ये भी हम जस्ट 150 में लेकर आए हैं। एंड ये देखिए गाइस, आई लव दिस, ये वन ऑफ माई फेवरेट आज की शॉपिंग का जो प्रोडक्ट है ये, मुझे ये बहुत पसंद आया। जब हम फाइनली सरोजिनी नगर से निकल रहे थे बाहर, तो अचानक से मुझे एक स्टॉल पर ये हैंग हुआ हुआ दिखा। एंड गाइस सीरियसली ये देखिए इसका स्टफ़, अगर आप मतलब फील करेंगे बहुत ही हैवी विंटर का स्टफ़ है गाइस, बहुत ही हैवी फैब्रिक है। ये देखिए ये लोअर जो है ये पीछे इसमें इलास्टिक एंड आगे बेल्ट हाफ इलास्टिक का विथ टू पॉकेट्स गाइस, और ये थोड़ा सा बेल बॉटम टाइप में जो आजकल चल रहे हैं ना अबव लेंथ के होते हैं, ये वही है। और इतनी खूबसूरत फिटिंग इसकी आई है जब हमने इसको ट्राई करके देखा, एंड यू वोंट बिलीव दिस ये किस प्राइस रेंज में होगा गाइस। लेकर आए हैं जस्ट 100 रुपीज़ में, जी 100 रुपीज़ में लेके आए। एंड क्योंकि अलीज़ा बहुत दिन से मुझसे अलीज़ा का थोड़ा सा वो था कि मुझे हुडी एंड स्वेटशर्ट ये सब लेके आनी है, उसको चाहिए था, तो वो सरोजिनी नगर के लिए बोल रही थी लेकिन हम टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज फॉर्चुनेटली मेरी एक फ्रेंड ने जीनत ने हमें कल बोला कि यार चलते हैं, मिल भी लेंगे एंड शॉपिंग भी हो जाएगी थोड़ी विंटर की, तो बस अचानक से हमारा प्लान बन गया और हम सरोजिनी नगर चले गए। और अलीज़ा के तो सीरियस आज अलीज़ा ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। एंड ये देखिए इतनी खूबसूरत, वो अपने लिए जैसा वो चाहती थी, उसे थोड़ा फंगी लुक पसंद है, थोड़ा सा ओवर साइज जो उसकी जो स्टाइल है वो ओवर साइज कैरी करती है चीज़ों को। तो ये देखिए गाइस लुक एट दिस, ये स्वेटशर्ट जो है। एंड गाइस ये हम सरोजिनी नगर से जो मिला है जस्ट 250 रुपीज़ में ये हम लेकर आए हैं, ये देखिए। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इन सब का अच्छे से रिव्यू मैं आपको इन्हें वन बाय वन ट्राई करके और साथ में गाइस ये नहीं अच्छे से दूंगी। आप सरोजिनी नगर क्लोदिंग के लिए आप सिर्फ जा सकते हैं, आप वहाँ पर मतलब हैंडीक्राफ्ट की ज्वेलरी मुझे वहाँ इतनी बेस्ट लगी। एक तो एंटीक ज्वेलरी जिसे हम कहते हैं वो भी जंग ज्वेलरी, एंड साथ में हैंडीक्राफ्ट की ज्वेलरी भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन से, जो कि मैंने थोड़ा सा उसकी जो ग्लिम्स है वो वीडियो में आपने जैसे देखा होगा। और फिर हमने वहाँ पर ये लिए थे, ये देखिए ये मुझे बहुत पसंद आए थे, ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। और गाइस ये जो है सिर्फ हमने ये वहाँ से लिए 50 रुपीज़ में, ये देखिए है ना खूबसूरत। और इसी तरीके से बहुत अच्छा दिन गया जब शॉपिंग की खूब सारी, और फिर कुछ हमने वहाँ पर फुल एंजॉय किया और फाइनली फिर हम घर आ गए। अच्छा जल्दी से थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें दिखा देती हूँ और फिर आपसे अलविदा कहते हैं। तो गाइस इस वक्त बज रहे हैं रात के 1 और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और फिर कल से हमें वही अपनी डेली रूटीन बुटीक का काम देना है। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सरोजिनी नगर की शॉपिंग कैसी लगी, और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस चलिए इन सब का आपको डिटेल में रिव्यू मैं अगली वीडियो में दूंगी, उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, वो सारी प्राइस रेंज एंड साथ में ट्राई करके दिखाऊंगी सो दैट आपको उनका अच्छे से लुक समझ में आए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर जल्दी आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।